मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। माल बात करने का मौका मिला। इससे पहले मैं जब कांग्रेस में था, सैलानी चौक के जलसे में तकरीर किया करता था शेख मजीद साहब के साथ। आज मालेगांव शहर के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 के अंदर असेंबली का, मैं एकदम संजीदगी से आप लोगों को बताऊंगा और आपको संजीदगी से सुनना है। 15 मिनट का वक्त है मेरे पास, 15 मिनट के अंदर मैं आपको जो बात बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं कोई बात गलत करूंगा तो उसके सवाल का जवाब भी मेरे से जलसा खत्म होने के बाद बोलना कि तुमने ये बात गलत बोली। आज मालेगांव शहर के अंदर गुज़िश्ता 5 साल से लेकर 3 महीना कंप्लीट रह गए इलेक्शन के लिए। खैर, महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीना बढ़ाने की कोशिश की, हो सकता है नवंबर एंड के अंदर दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हुए महाराष्ट्र असेंबली की। यह जो होने वाला इलेक्शन है, आज तक के मैंने मेरे बचपने से यहां पर देखा कि मालेगांव शहर की आवाम ने जो इलेक्शन के अंदर वोट दी वो किसको गिराना है यह तय करके वोट दिया आज तक के मालेगांव शहर की आवाम ने। क्योंकि यहां पर हमेशा दो ही उम्मीदवार रहे, एक को गिराना रहता था और दूसरे को उसके बनिस्बत गिराने के वो जीतता था, उसको जिताने की ख्वाहिश शहर के लोगों को कभी नहीं रही, मगर मजबूरी रही शहर के लोगों की कि काम करने का जो उसका वक्त आया उसने काम नहीं किया। और हर लोग आज बिरादरीवाद का नारा देकर अपनी झोली भरने का काम करते। मैं एक बात इस शहर के लोगों से बोलता हूं कि यहां हर बिरादरी के लोग बैठे हुए, हर मसलक के लोग बैठे हुए, इन लोगों ने कौन सी बिरादरी के दोनों लीडरान ने कौन सी बिरादरी के बच्चों को इन्होंने नौकरी के ऊपर लगाया, कौन से बच्चों को रोजी रोजगार का जरिया दिया, तुम ये मुझे बताओ। जब इलेक्शन आता बिरादरी के अंदर भी अलग अलग बिरादरी के अंदर लोगों को बांट दिया जाता, अलग अलग मीटिंगें ली जाती और शहर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शहर के अंदर किया जाता। आज एक मसले से तुम बताओ कि मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी आई, जो पावर सप्लाई कंपनी आज से 4 साल 6 महीने पहले मालेगांव शहर के अंदर आई, उसके लाने वाले हमारे इस शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने इस बिजली कंपनी को मालेगांव के अंदर लाया। मैं उस वक्त मुफ्ती इस्माइल के साथ में था, मैं उनको एक बात बोला करता था कि मुफ्ती जब वो जीत कराए, और मैंने स्टेज से भी ये बात कहा था कि मालेगांव शहर के अंदर एक अजाब जल्द से जल्द नाजिल होने वाला है, जो कैबिनेट के अंदर पास हुआ और मालेगांव शहर के अंदर कभी भी प्राइवेट बिजली कंपनी ताबा ले लेगी। जब मुफ्ती इस्माइल साहब जीते तो मैंने इनको कहा कि इनको ताबा लेने मत, तो इनको बोल दो मैं इस शहर का नुमाइंदा है, मैं इन लोगों को, मैं यहां पर तुम्हारी बिजली कंपनी को यहां चलने नहीं दूंगा। अगर ये इतनी ही बात बोल देते थे तो मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी जो आज जो लोगों के खून के आंसू रुला रही है, लोगों की मेहनत की कमाई, इतना परेशानी का आलम मैं समझता हूं कि मैं 25 साल से कारपोरेटर हूं और ये 2 साल का जो वक्त मेरा गुजरा बिगर कारपोरेटर का, तो मेरा दिन भर का वक्त पावर कंपनी के खिलाफ में ही जाता है। अगर ये चाहते तो ये बिजली कंपनी को ताबा लेने नहीं देते, और ये सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं दोनों। यहां पर काम करने वाले तुम, बिजली कंपनी के अंदर काम करने वाले तुम लोग देख लो, इनके लगाए हुए 10 लोग हैं, उसके लगाए हुए 20 लोग हैं। एजाज बेग के घर को एक भेजता तो दूसरा जैनो पठान के घर को भेजता। इस तरीके की दुश्मनी मालेगांव शहर के गरीब आवाम से लिए जा रही है, सिर्फ सियासी दुश्मनी लोगों से निकाली जा रही है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप लोगों को मैं गवाही देता हूं कि आप लोगों ने, अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा, टिकट दिया और आप लोगों
ने मुझे चुन के दिया तो सबसे पहले आप लोगों की मदद से मालेगांव शहर से प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने का काम एजाज बेग की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे 5 साल के अंदर तो आने वाले 5 साल के बाद और देने की बात भी नहीं रहेगी, मांगने की बात तो नहीं रहेगी, तो तुम्हारा देने का सवाल नहीं आया। अब आते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, एक दूसरे के बहुत बड़े बेबाम दावे करते दोनों लीडरान, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दोनों लोगों से, और ये शहर की आवाम जो बैठी है, ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान साथी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ इन्होंने कौन से शहर का डेवलपमेंट किया। शेख आसिफ साहब 5 साल आमदार थे, उनके वालिद मरहूम शेख रशीद साहब 10 साल आमदार थे। तायरा मैडम 5 साल मेयर थी, शेख आसिफ साहब 5 साल मेयर थे, शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर थे। 2003 को यूडीआई एसएमडी स्कीम आई मालेगांव शहर के अंदर, उस स्कीम के अंदर जो भी मामला होंगे 5% पानी पट्टी 2003 से आज तक के बढ़ के आ रही है, किसी के जबान से आज तक के नहीं खुला कि हम लोग महासभा के अंदर विषय ले और इसको खत्म कर दे, जो आज 105% पानी पट्टी मालेगांव शहर के अंदर बढ़ के आई है। मैं समझता हूँ नासिक जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर पानी पट्टी कहीं बढ़ के आती है तो है मालेगांव शहर के अंदर। मुफ्ती साहब आपको भी 10 साल दिए हमने, ये घराने को 25 से 32 साल इस घराने को शेख रशीद साहब के लिए, अगर काम किए थे तो शेख रशीद साहब के दौर जो काम हुआ था हम उसके आज भी होते, कि कांग्रेस के अंदर थे शेख रशीद साहब, एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने शहर के अंदर किसी सब को लेके चला, हर आदमी को अपने कलेजे से लगाते थे और अच्छी बातें करते थे। और अगर ये समझते होंगे उनके लाडले साहब कि हम आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं तो लोग इनको पसंद कर लेंगे, इनको तो सलाम करना भी तुम्हारे को गवारा नहीं करते। शेख आसिफ साहब बताओ 4 साल 8 महीने में किससे मिले यहाँ पर, इनको तो अगर किसी से बात नहीं करने की रहती मैं आज तुमको बोल देता हूँ, वो फोन उठाते बंद और कान में लगा देते और मुंडी करके निकल जाते, आवाम से इतनी नफरत है। आज इलेक्शन का दौर चालू है मगर वो कभी किसी का अल्लाह का बंदा किसी के पास नहीं जाएगा, बड़े बड़े लोगों के पास जाएगा, एलर्जी है गरीबों से उसको। ये सारी चीजों को लेकर शहर के अंदर डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, बात बोलने की बहुत है, बड़े जलसे हो गए, जब मैं हर इनके पूरी खाल उतार दूंगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किए, बहुत बुरी लगती मेरी बात मैं बोलता हूँ। उस दिन बोला मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया जहाँ पर शेख शकील जानी बेग और असलम अंसारी की चिल्लाट हुई कि समझते ना वहाँ करप्शन पैदा होता और वहाँ आसिफ साहब गए मुझे करप्शन तोड़ी हुई, ये बात मैं बोलता था उनको बहुत बुरा लगती। 1200 रुपये टन कचरे का टेंडर 2400 रुपये के अंदर इन्होंने साठ गाड करके लिया, लतीफ अनवर साहब, शेख आसिफ साहब और 7-8 लोग गए, ऐसे 7-8 लोगों ने मिलकर लिया 1200 रुपया टन अब लेके, जबकि 1200 रुपये में पिछली कंपनी उठा रही थी। आप बताओ शहर के अंदर करप्शन नहीं पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है? फिर बोलते हैं हुसैन हम न दे थे तो मगर दूध दे। जब कोई बात आती तो यही बात होती, इनको धमकी मिलने लग जाती। और वो एक तो उनका मुफ्ती साहब का तो बाबा आदम ही निराला है, वो तो मिलते ही नहीं, सुबह उठते बनपट्टी के अंदर घुसते, कोई नाश्ता लेकर आता बाहर बैठ के नाश्ता करते फिर बनपट्टी में जाकर घुस जाते। शहर का डेवलप का है, हम तो अखबारों के अंदर पढ़ते, बोले मैंने 366 करोड़ रुपये लाया, 366 करोड़ रुपये का इनको हिसाब देना है आने वाले असेंबली के अंदर। अरे शहर की आवाम इनसे पूछे कि 366 करोड़ रुपये। और गुरुवार वार्ड के अंदर आता हूँ मैं कामकाज के ताल्लुक से, ये जिस इलाके के अंदर मैं तकरीर कर रहा हूँ यहाँ की ऐसी समस्या है कि यहाँ सुबह के दिन सुबह से पावर जाती तो शाम तक के पावर नहीं आती, कोई बोलने वाला नहीं। गफ्फार मैंने मुझे बताया, ये मुझे अभी बताया, नहीं तो मैं यहाँ के लोगों को देंगे उनकी ईट के ईट बजा दूंगा, कैसे जुमे को पावर नहीं देंगे देख लेना तुम आने वाले हफ्ते। इनके बाप को पावर देना पड़ेगी।
कमिश्नर को मैंने 15 दिन पहले बोला कि यहाँ का काम शुरू कर टेंडर निकाल के और 4 नंबर करवा गया था। मगर अपने फायदे की बात लीडर करता है, गरीबों के फायदे की बात चलती नहीं। आज राशन दुकान का ऐसा मसला है कि 25 किलो राशन मैं 3 दिन पहले मैंने आपको बोलता हूँ, आप बताता, एक लड़का मेरे पास आया कि मेरे को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल राशन वाला देता। कोई भाई ने अपनी इधर ही गई राशन दुकान है उसकी बोले, तो मैंने फिर बोले बस चलो मैंने लेकर के एफडीओ से बात करा, मतलब इसमें कितना है देख। एफडीओ ने बोला, बोले चेक करके बोला, बोले 25 किलो। मैंने लड़के को बोला मेरा लाइजर कार्ड ले और चल नीचे आने, तो एफडीओ बोले क्या हुआ, मतलब 3 किलो गेहूं और 2 किलो ये चावल देते और उसके बाद बोलते इतफाक से मैं बाहर निकला तो वो एफडीओ ऑफिस के एक आदमी ने यशोद ने आवाज दिया, बोले साहब किधर आए थे। मैं बोला ऐसी थी बात है, 25 किलो मेरा इसको अनाज देता और ये सिर्फ 3 किलो और 2 किलो था 5 किलो इसको देता। सोचते इतफाक से वो भाई हमारी माँ बहन जो भी यहाँ पर राशन चलाती है खड़ी थी, उसने उसको बुलाया, बोले तो हमारे बोले क्या हुआ, मतलब तुम इसको 3 किलो 5 किलो अनाज देते 25 किलो राशन का अनाज आता। तो उसने क्या बोले ध्यान दो, बोले भैया बोला नहीं अब मैं अर्जी ही दूंगा और इसका बराबर इसका काम करूंगा, बाद में सब बात होगी, बात कोई होगी नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बताता कि आप लोग जब राशन दुकान के ऊपर राशन अनाज लाने के अच्छे जाएंगे आप उसे स्लिप मांगो, स्लिप के अंदर आपको मालूम पड़ेगा आपका कितना अनाज मिल जा रहा है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, क्योंकि सारे करप्शन करने वाले शेख आसिफ साहब के लोग इनको पोस्ट बनाई, शेख आसिफ साहब ने सब चोरों की भर्ती उनके पास, देख लो 80% तुम्हारे बच्चों को रोजगार ही दिया इन्होंने, तुम्हारे बच्चों को इन्होंने शराबी बनाया, तुम्हारे बच्चों को इन्होंने चोर बनाया, तुम्हारे बच्चों को कुत्ता गोली खाने वाला मामूल बनाया, इतना बुरा लगेगा कि कभी चमचे कुत्ते इतना मिल मिलाएंगे अभी थोड़ी उनके पास देखना तुमने, क्योंकि मैं सच बोलता ना, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, 2-500 रुपये दिए लोगों को और किसी को नौकरी नहीं दिया आज तक के, किसी के पेट नहीं भरा गरीब का। तो ये मैं आज शहर के मुस्तकबिल के लिए आपको आवाज दे रहा हूँ कि आने वाला इलेक्शन 2-500 रुपये का इलेक्शन तुम लोग लेकर अगर आपके मुस्तकबिल खराब करेंगे आपके बच्चों का ये मुस्तकबिल खराब होगा। इनके पास बहुत पैसा है, अभी से बोल रहे हैं हम 10 करोड़ लगाएंगे, ये 20 करोड़ लगाएंगे, है पैसा। मुफ्ती साहब के पास भी बहुत पैसा है, उन्होंने पीछे फतवा दिया था एक कम से मरूम अगर कोई चीज को अमल नहीं करेंगे तो उनकी बात पे अमल करना, उन्होंने पीछे फतवा दिया था ले लो और काम बता दो। तो ये अमल आप लोगों को दोनों से करना है, क्या करना है आप लोगों को, दोनों लोगों के ऊपर यही अमल करना है कि ले लेने का और इनको काम बताने का, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल 2-500 रुपये की ओर से तुम खराब मत करो। आने वाला वक्त तो देखो हमारे वक्त से कांग्रेस पार्टी तुम्हारे खाने का खाना रख के चलेगी। मैं सुबह 9-9:30 बजे घर से निकलता तो 2 बजे तक के काम करता, ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन है तो मैं काम कर रहा, मेरी पूरी 5 साल की रूटीन है, 10:30 आखिरी बजता, बाकी मैं 1:30-2 बजे ही घर जाता और लोगों का काम करता। शहर के अंदर काम एक नहीं अनेक काम है, आज वक्त तो नहीं है, वक्त 5 मिनट नहीं बचा है, मैं 5 मिनट में अपनी तकरीर को खत्म करूंगा और मैं ये लोगों को आपको बोलने के लिए खड़ा हुआ है कि अभी जो भी है, आज एक नाला बनाया गया था कोयलूर मस्जिद से लग के, इसके लिए नाले का काम हुआ हो रहा था कि भाई आज़ाद नगर गांधी नगर अयूब नगर ये एरिए के अंदर जो पानी भर जाता उसके लिए वो नाला बनाया गया था। इसके अंदर भी इतना बड़ा करप्शन हुआ नाले के अंदर, 2,39,00,000 का टेंडर निकला नाले का, 2,39,00,000 रुपये का नाले का टेंडर निकला, नाला बना वहां से वहां तक के अदरबिया मस्जिद तक के और उसको आज तक का जोड़ा नहीं गया। अगर वो जोड़ देते तो ये जन की जो तकलीफें हैं ये दूर होंगी। उनको लोगों की तकलीफ तुझे कोई लेना देना नहीं, उनको करप्शन से लेना देना, उन्होंने उनका काम कर दिए, अब लोग गए भाड़ में, ऐसा हिसाब है इनका। बाकी आवाम इतनी चालाक हो चुकी, अभी मैं बोलता हूँ अगले महीने के अंदर मैं वो सरकारी दवाखाने से लेकर तो अहमदिया मस्जिद तक के सीमेंट रोड का काम शुरू कर रहा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा तो मतलब लेवल हो जाएगा, खाली से भी शाहजी के रोड का भी मैं काम शुरू कर लिया, छोटे कब्रस्तान से लेकर 3 गंदे छोटे कब्रस्तान से लेकर तो आजाद नगर पोलिट, ऐसे मैंने 10 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट से लाया था उसका आज परमा का काम हो गया, कलेक्टर साहब से कल 2 दिन में फाइल आ गई है, 8-10 दिन में टेंडर निकल जाएगा, मैं अगले महीने के अंदर काम की शुरुआत करूंगा, हम कुछ नहीं होने के बाद इतना काम करते। तो इनसे आवाम ने पूछना चाहिए कि ये शहर के अंदर का तुमने लाल किला बना के दिए, सिर्फ और सिर्फ दोनों क्या करते, एक मुफ्ती इस्माइल को बोलता और मुफ्ती इस्माइल शेख आसिफ को बोलता, अरे भैया ये क्या सरकारी नौकरी थी क्या, तुम अनुकंपा में लग गए हो, अब घर जाओ बहुत हो गया, सरकारी नौकरी थोड़ी दी है के बाद
बेटा पोतरा सब आएंगे तुम सियासत के अंदर। ये अनुकंपा नहीं है, ये अवाम का कंपा है। ये अवाम आप तुमको शहर का रास्ता दिखाएंगे। आने वाला वक्त आपके हाथ में होगा, आपका मुस्तकबिल तय करेगा कि आप लोग किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अभी दो दिन पहले मुफ्ती इस्माइल साहब उमरा जाते जाते झूठ बोल के गए, संगम देर गए बाला साहब छुराब के पास, हाथ पाँव पड़े, उनके दो चमचे हमारे हैं ताई के भाई लोग यहाँ पर नवे भाई पैदा हो गए, वो आज राखी बनने आई होगी ताई उनके यहाँ पर, उनको बहुत फिक्र रहती राष्ट्रवादी के अंदर है, बाकी कांग्रेस की बहुत फिक्र उनको। तुम लड़ो कभी बोलते हो ताई के लड़के को बोलते हैं गौरव को लड़ाओ, कभी बोलते सूरज को लड़ाओ, कभी बोलते चांद को लड़ाओ, यही धंधे चल रहे उनके। इनके बाप का राज नहीं है, मैं भी एजाज पे गए, हमको अगर जबरदस्ती पे जान के आएगा ना, कोई जबरदस्ती नाम के आएगा हम भी बर्दाश्त उर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी भी ईट सेट बजाने की ताकत हम रखते। वक्त की तंगी की वजह से आप लोगों का जो काम रहेगा मेरी ऑफिस के ऊपर आप आओ, और का मसला रहे कोई भी मसला रहे आप लोग आओ, मैं आपके साना बसाना काम करने के लिए तैयार है। वक्त की कमी की वजह से कोई जलसे के अंदर जरूर आप